आयत नंबर पचपनता साठ पर मुश्तमिल है और आइए प्रोग्राम के फार्मेट के मुताबिक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इन मुक़दस आयात से उसकी तिलावत से हम अपने प्रोग्राम का अपने सबक का आगाज करते हैं بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط <applause> من رحمة so well नाज़ीन क्राम तिलावत क़ुरान मजीद फ़ुर्न हमीद को आपने समात फरमाया और हमारे मोहतरम कारी आदील सुल्तानी साहब बड़ी महब्बत मबदत के साथ तिलावत किया करते हैं आइए अपने प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में हम स्प्लिट करके ब्रेक करके तलफ़ुज करके कुरान की इन्हीं आयात को पढ़ेंगे आप हमारे साथ शामिल रहें ताकि अल्लाह तबाना के बताल की रहमतों के और बरक़ात के नज़ुल के हकदार भी करार दिए जाएँ और तिलावत क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद से आपको इस्ता भी हासिल हो सके قالوا بالحق بالحق فلا تكن من القانتين. नाजीन किराम यहाँ पर लफ तकुन है नून साकिन है नून पर जज्म है लेकिन उससे जो अगला हर्फ है वो मीम है मीम पर तशदीद है और जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो कि साकिन के बाद किसी हर्फ पर किसी लफ्स पर तशदीद हो तो उस सूरत में वो हर्फ जिस पर साकिन है हम उसकी आवाज़ को साइलेंट कर दिया करते हैं हस्फ कर दिया करते हैं और तशदीद को फोकियत देते हुए उस लफ्स को पढ़ा करते हैं तो आइए किस तरह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं फल तकुमिनल कौन यहाँ पर तकुन में नून की जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होती, नहीं होती मिल्हती मिल नाजरी कराम यहाँ पर लफ्ज दौद है और दौद को हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं ये समझना निहायत अहम हुआ करता है जब हम अपने प्री मोलर टीथ जिसको हम दाढ़ कहते हैं उस पर अगर हम अपनी ज़बान का अपनी टंग का लेटरल पार्ट यानी साइड की जबान को अगर हम अपर मोलर टीथ के साथ लगाएं, तो उस सूरत में गौद को प्रोनाउंस कर सकते हैं गौद आप महसूस करेंगे कि जबान का लेटरल पार्ट जो साइड का हिस्सा है उसको हम ऊपर वाली दाढ़ पर लगाएं मोलर टीथ पर लगाएं तो फिर ये आवाज़ प्रोनाउंस होती है गौद गौलू इौलून कौल फमे खतुकुम फैम खत्बूकुम أيها المرسلون، أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا، أرسلنا إلى قوم مجرمين إلى قوم مجرمين إلا إلا آل لوط ال لوط ان لمنجوهم لمنجوهم اجمعين اجمعين إلا امرأته إلا امرأته قدرنا إنها إنها لمن الغابرين नाजिन किराम हमारे सबक का तीसरा मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम आयत ब आयत तिलावत भी करते हैं और आपकी स्क्रीन पर रोमनाइज़ करके यानी उसको इंग्लिश अल्फाबेट्स में नुमाया भी करते हैं और इसके साथ साथ इस मरहले में हम इसके तराजम भी पेश किया करते हैं तो आइए अपने प्रोग्राम के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं In Roman? قالوا <سؤال> بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين in Urdu Wole Hamneto Apco Sachi Hushabridi, Pas Nahuja ye up, my youth Honevalo. In English, they said, We bring thee good tidings in truth, so be not thou of the despairing. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون इब्राहिम ने फरमाया कौन ना उम्मीद होता है अपने रब की रहमत से बजु गुमराहों के इन इंग्लिश ही से डिस्पेयरथ ऑफ हिज लॉर्ड से

And afterward, what is your business, O ye messengers of Allah? <laughs> in Roman قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں They said, We have been sent unto a guilty folk. In إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إن أردو مگر لوت کے گھرانے والے In English, all save the family of Lot, them we shall deliver, everyone.

कि वो फ़रिश्ते वो मलाइक, जिसने कौम लूत पर आज़ाद नाजिल किया वो इससे पहले हज़रत इब्राहिम इब्राहीम के घर में तशरीफ़ लाते हैं और उन्हें इस बुढ़ापे की ज़िंदगी में बेटा देने की खुशखबरी देते हैं हज़रत इब्राहिम इब्राहीम हैरत के साथ कहते हैं कि इस उम्र में मुझे बेटा होगा इसका मतलब ये माजल्ल् हरगिज़ नहीं कि वह अल्लाह की रहमत या कुदरत से मायूस है बल्कि वो इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि उसको दोबारा सुनना चाहते थे या फिर उनका गुमान ये था कि अल्लाह मुझे बेटा देगा तो क्या मुझे फिर से जवान करेगा यानी मुझे और मेरी बीवी को फिर से जवान करके फिर बेटा देगा लेकिन मलाइक ने कहा कि नहीं अल्लाह तुम्हारा व तआला तुम्हें बेटा देगा और इल्म वाला बेटा देगा जिसके पास इल्म होगा जिसके पास फहम होगी फ़िरासत होगी तो फिर उन्होंने कहा कि बेशक मैं अल्लाह से मायूस होने वालों में से नहीं हूँ मायूसी कुफ्र हुआ करती है आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में स्ट्रगल कर रहे हैं जद्दोजहद कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं अगर वक्ती तौर पर कोई नाकामी या उम्मीदी हो चुकी हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए उस पर तो्क़ल करना चाहिए उस पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह के भरोसे पर चलते रहना चाहिए गामजन होते रहना चाहिए जब अल्लाह तबारा का मताला सौ साल की उम्र में औलाद दे सकता है तो यकीन वह वक्ती ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल सकता है बिगड़े हुए कामों को संवार सकता है यकीन के साथ अपने रब पर भरोसा कीजिए दुआ कीजिए अल्लाह तबारा व वाले हमें उसकी ज़ात पर यकीन कामिल फरमाए और इसके बदले में हमारी दुनियावी व उखरबी तमाम जिंदगी की मुश्किल को दूर फरमाए आमीन व आखिर दाबाना अनहमदी